सिटी होम न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत कर दिया। अज मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म दिहाड़ा है। अज उन्हों का प्रकाश पुरब है। अज दिन संगत इतने गुरुद्वारे नतमस्तक होने आई ने। इतने संगत साढ़े नाल मौजूद ने, इन्हों गलबात कर दिया। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। तन तन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुरपुरब दियां सारिया सांझ संगतां नूं लख लख वधाई होवे जी। मैं ये चाहना कि पूरे देशां विदेशां दे विच इस चैनल के माध्यम राही एक गल कहना चाहता हाँ कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी सब तो वड्डे महापुरश होए ने, जिन्हां करके इत्थे सारा संसार जिहड़ा है बड़े ही वधिया तरीके नाल अज गुरु हरगोबिंद सिंह जी साहब जी का गुरपुरब मनाया जा रहा है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि इत्थे गुरुद्वारे दे विच रौनक लगी हुई है। संगत इत्थे आ रहे ने लगातार, तो गुरुद्वारे दे विच नतमस्तक हो रहे ने, ते नाली इत्थे संगतां वल्लों बहुत ही ज़्यादा इत्थे नतमस्तक होके गुरु चरणा दे विच नतमस्तक होया जा रहा है। तो लगातार ही इत्थे तुसीं देख रहे हो कि जिहड़े लोकी ने ओह इत्थे आ के गुरु साहिबान जी दे कीर्तन श्रवण कर रहे ने। गुरुद्वारा छेवें पातशाही के इतने सैकटरी मौजूद ने इंद्रजीत सिंह सेखी, इन्हों गलबात करते हैं। तो गुरुद्वारे जी समागम का आयोजन किया गया है, इस दे बारे इन्होंने की कुछ कहना है, इन्हों गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। गुरुद्वारा छेवीं पातशाही सी एम सी चौंक विखे मीरी पीरी के मालिक साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जो प्रकाश पुरब है बड़े शान शौकत के नाल मनाए जा रहे हैं। शान शौकत के नाल मनाए जा रहे हैं। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक संगत बड़ी उमंग लैके सतगुरां दे शुकराना करन दे लई ते मन दे विच इक चाओ लैके गुरद्वारा साहिब विखे मिस्से प्रशादियां दे लंगर अचार प्याज सिरां दे उत्ते टोकरियां रख के अखां दे विच हंजू साहिबां दा किसे तरीके दे नाल इक शुकराना करना कि सतगुरु ने पिछले समयां दे विच जो बख्शां कीतियां ने ओह अज बख्शां पूरियां होईयां ने, उस सतगुरां दा शुकराना करन दे लई इस अस्थान दे उत्ते पहुँच रहे हन। संगतां अमृत वेले तो ही इस वेले तक ठाठा मारदा होया समुंदर दी तरह इस अस्थान दे उत्ते पहुँच रहे हन सतगुरु दे शुकराने दे वजों। जिथे संगतां पहुँच रही हन उत्थे पंथ दे महान कीर्तनी जथे वक् वक् अस्थानां तों श्री दरबार साहिब अमृतसर तों विशेष तौर दे उत्ते अज दे इन्हां समागमां दे विच हाजरियां भरन दे लई पहुँच रहे हन। भाई साहिब भाई जसविंदर सिंह जी अमृतसर वाले, सत्कारयोग भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी, भाई जगदीप सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त साहब के जथेदार, सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी गुरद्वारा सीसगंज के हैड ग्रंथी साहबान, होर बहुत सारे गुणी ज्ञानी जिन्हां दे विच भाई भाई गुरकिरत सिंह जी, माता कोलां तो भाई अमनदीप सिंह जी, होर भी गुणी ज्ञानी अज दे इन्हां समागमां दे विच पहुँच रहे हन। जिथे अज दे समागम दे विच हर बच्चे बच्चे दे विच खुशी की लहर है, उत्थे असी समूह संगतां दा धन्नवाद भी करते हाँ, शुकराना भी करते हाँ, सीस झुकाने हाँ कि संगतां इन्ने वड्डी गिणती दे विच इस अस्थान दे उत्ते पहुँच रही हैं। साढ़े मुख सेवादार हरमिंदर सिंह सेठी जी दे वालों लख लख वधाई होवे इन्हां समागमां दी। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, सारे परिवारां दे विच खुशियां दे खेड़े बख्शन, अजिही अरदास जोदड़ी है सतगुरां दे चरणां 'च। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां देखदे हाँ कि मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का अज प्रकाश पुरब बहुत ही हर्षोल्लास दे नाल मनाया जा रहा है। उत्थे ही आपां देखदे हाँ कि 9 जून तो पहले ही इत्थे समागम शुरू हो गए सीगे, ते इन्हां समागमां दे बारे तुसीं की कहना चाहो? सतगुरां दा जो समागम सी 15 तरीक नूं है जी, लेकिन सतगुरां दे समागम नूं जीआयां कहण दे लई संगतां दी उमंग सी, क्योंकि गुरद्वारा साहिब दे विच पहलां ही जो पिछले करीब करीब 15-20 सालां तो लगातार ही जो मीटिंगां हुंदियां हन उस दे विच इस चीज़ दे विचार करीदा कि अपने बच्चे दा जन्मदिन होवे ते बड़ियां जोर शोर दे नाल तैयारियां कीतियां जांदियां हन। ते शहनशाह दे शहनशाह साहिब कमाल साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब होवे तो केवल एक दिन नहीं, सतगुरां दा समागम असी जितने भी दिन वध तो वध मना सकीए मनाने चाहिए ने। इस करके 7 दिन लगातार साहिबां दा महान प्रकाश पुरब मनाईदा, तो दूरों नेड़ियों चल के सारे ही पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जिथे इन्हां समागमां दे विच हाजरियां भरन दे लई पहुँचते हैं। सतगुरु बख्शिश करे उन्हां जथियां दे उत्ते भी ते सारियां संगतां दे उत्ते भी, जिहड़ियां संगतां रोजाना ही साहिबां दे दरबार दे विच हाजरियां भरन दे लई पहुँचदियां हन, ते गुरु के लंगर मिस्से प्रशादियां दे लंगर अते होर बहुत तरह दे मिष्ठान गुरु के लंगरां दे विच चल रहे हन।
सतगुरु बख्शिश करे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। अज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा है, अज दिन लंगर वरता रहे हो, तो लंगर कदों तो वरता रहे हो? अज के दिन गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश दिहाड़ा है। ये लुधियाने के सी एम सी चौंक के छेवीं पातशाही गुरुद्वारे बहुत ही उत्साह मनाया जाता है। बाहरों नेड़ों दूरों सारे पासों संगत आती है। लंगर का पूरा इंतजाम है, 7 दिन का पूरा प्रोग्राम चलता है गुरुद्वारा साहब के। संगत का इन्ना उत्साह है कि देखने वाला उत्साह है। संगत का प्रोग्राम बहुत वधिया हो रहा है, सारा दिन प्रोग्राम चलेगा, रात के 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और बहुत उत्साह प्रोग्राम चल रहा है। तुम देख ही रहे हो संगत कितनी हैगी है, थले उपर अंदर बाहर सारे पास संगत ही संगत है। बाकी प्रोग्राम तो थोड़े सामने ही है, सारा नज़र तुम आ ही रहा है। जो तुम इतने गुरुद्वारा छेवीं पातशाही नतमस्तक होने आए हो, अज गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पर्व है, की कहना चाहोगे? अज सा छेवीं पातशाही का गुरपुर है, सब तो पहले वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी। साढ़े बहुत ज़्यादा संगत इतने बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग सेवा कर भी रहे हैं, सेवा लै रहे हैं। ये बहुत ही पूरी इंडिया जी खुशी के उत्साह मना रहे हैं। तो असं करम वाले हाँ कि असी इस गुरु घर न जुड़े हैं। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू फतेह। गुरुद्वारा श्री छेवीं पातशाही के इतने प्रधान जी मौजूद ने, हरमिंदर सिंह सेठी इन्होंने गलबात करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੀਹ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲਿਨੀ।